हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक और आपके अपने चैनल डीके राइडर में स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे सामने है हीरो ग्लैमर 22 मॉडल। ये कैनवास है और इसमें ये ब्लैक कलर है। तो आज हम इसके बारे में फुल डिटेल रिव्यू करेंगे, जानेंगे इसमें क्या क्या नया मिल रहा है, कौन से नए फीचर और क्या प्राइस है इसकी, ये सब कुछ हम जानेंगे। बात करेंगे इस हीरो ग्लैमर 22 मॉडल की। तो यहाँ से आप देख सकते हैं फ्रंट में कुछ ऐसा लुक आ रहा है। यहाँ से आप ग्लॉसी लुक आ रहा है इसका वाइजर और इसका लोगो मिल जा रहा है। यहाँ से आप फुली एलईडी हेडलैम्प का सेटअप मिल जा रहा है और बिल्कुल नया लुक है। जैसे आपको पहले ग्लैमर एक्सटेक में मिलता था, वैसा ही लुक इसके हेडलैम्प में मिल रहा है। आपको हाई बीम लो बीम फुली एलईडी सेटअप के साथ मिल जा रहे हैं। यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर मिलते हैं बल्ब में। बात करते हैं सस्पेंशन की, तो यहाँ पर सस्पेंशन काफ़ी स्मूथ मिल जा रहा है। फेंडर आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मिल जा रहा है और अच्छी मटेरियल के साथ में मिलता है। बात करते हैं इसके टायर की, तो यहाँ पर आपको टायर मिल जाते हैं C8 के और ये आपको 8018 का टायर मिलता है और डिस्क इसमें 240 mm की मिल जाती है। डिस्क काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है, इसमें फाइबर की डिस्क लगी हुई है। यहाँ से आप देख सकते हैं इसमें रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं, डिस्क का कैलिपर है, यहाँ से पाइप हैं जो ऑयल प्रेशर करती हैं, जो डिस्क को ब्रेक से रोकती है, डिस्क ब्रेक रोकती है। यहाँ से आप देख सकते हैं। बात कर लेते हैं इसके हम मीटर कंट्रोल की, इसे ऑन कर लेते हैं और यहाँ से देख सकते हैं मॉल फंक्शन I3S न्यूट्रल और यहाँ पर आपको हाई बीम की लाइट मिल जाती है। यहाँ से आप देख सकते हैं सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है और ये यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर, यहाँ पर आपको ऑडोमीटर, यहाँ पर एवरेज, इधर आपको ट्रिप मीटर मिल जा रहा है। यहाँ से आपको सेलेक्ट और मीनू की मिल जा रही हैं। यहाँ से एवरेज के लिए भी आपको मिलता है। यहाँ से आपको मोड मिल जा रहे हैं, यहाँ पर आपको फ्यूल गेज मिल जाता है। बात करते हैं इस हीरो ग्लैमर कैनवास की हैंडल बार की, तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी ग्रिप के साथ में मिलती है। यहाँ पर आपको पास लाइट मिल जाती है, हाई बीम लो बीम और यहाँ पर टर्न इंडिकेटर और हॉर्न की स्विच मिल जाती है। स्विच क्वालिटी काफ़ी अच्छी रखी गई है और इसके राइट हैंडल बार की बात करते हैं तो यहाँ पर I3S स्विच मिल जाती है और सेल्फ स्टार्ट की स्विच मिल जाती है जो कि काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर आप इसका मास्टर सिलेंडर देख रहे हैं, यहाँ पर ये आपको फाइबर का ही मिलता है और यहाँ पर हीरो की ब्रांडिंग मिल जाती है जो कि काफ़ी खूबसूरत लगती है। बात करते हैं इसके पेट्रोल टैंक की, तो इसमें पेट्रोल टैंक का आपको 10 लीटर का मिलता है और यहाँ पर आपको क्रोम का हीरो ग्लैमर लिखा हुआ मिल जाता है जो कि 3D में है और काफ़ी खूबसूरत लगता है, काफ़ी ब्यूटीफुल बाइक लगती है इसका ब्लैक कलर। बात करते हैं इसके इंजन की, तो यहाँ पर आपको 124.7 cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टन BS6 कंप्लाइंट इंजन मिलता है इस हीरो ग्लैमर कैनवास में। इसमें जो पावर मिलता है इसमें आपको 10.7 BHP की 7500 RPM पर और इसका जो मैक्स टॉर्क है 10.7 NM 6000 RPM पर जनरेट कर लेती है। बात करते हैं इसके गियर की, तो यहाँ पर आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स सेटअप मिलता है। इसका गियर सिस्टम भी बिल्कुल स्मूथ मिलता है। यहाँ से आप देख सकते हैं प्रोग्राम्ड FI का बैजिंग मिल जा रहा है और यहाँ से आपको I3S का बैजिंग मिल जा रहा है। रियर साइड में इसके हीरो का स्टिकर मिल जा रहा है, काफ़ी खूबसूरत लोगो लगता है यहाँ से और लोगो इसका कुछ प्रोफाइल इस प्रकार दिख रहा है आपको यहाँ से देख सकते हैं। इसका रियर सस्पेंशन आपको रेड कलर में मिल जा रहा है और साड़ी गार्ड भी आपको यहाँ से मिल जा रहा है। ग्रैबरेल की बात करते हैं, तो यहाँ पर इसका ग्रैबरेल ग्लॉसी फिनिश में बनाया गया है और काफ़ी अच्छा बना है। यहाँ से आप देख सकते हैं हीरो का स्टिकर आपको रियर में मिल जा रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं इसका रिफ्लेक्टर रियर का मिल जा रहा है। यहाँ से आपको नंबर प्लेट के लिए मिल जा रहे हैं, इसके ये आपको स्टिकर मिल रहा है 2000 mAh का और यहाँ से आपको बल्ब वाला इंडिकेटर मिलता है। यहाँ टेल लाइट कुछ इस प्रकार बनी थी, ये इसका दूसरा प्रोफाइल है, यहाँ से आप देख सकते हैं।
बात करते हैं इसके टायर की, तो यहाँ पर आपको सीएट का टायर मिल रहा है, यहाँ पर आपको जो टायर है ट्यूबलेस ही मिल रहे हैं दोनों, और यहाँ से आप साइज़ देख सकते हैं 180/18 का टायर मिल जा रहा है। इसके जो फ्लाई व्हील है ये आपको डायमंड कट शेप में मिल जाते हैं। रियर की जो ब्रेक है ये आपको 130 mm की ड्रम ब्रेक मिलती है, और ये आप देख सकते हैं इसका ऑयल सिलेंडर है, जो ब्रेक ऑयल होता है ये आप कुछ डिस्क के जैसा लगता है लेकिन यहाँ पर आपको ड्रम ब्रेक मिल जाती है। यह एग्जस्ट है और ये एग्जस्ट काफ़ी हैवी दिख रहा है यहाँ से, तो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। और यहाँ से आप देख सकते हैं ये फुल ब्लैक में है, यहाँ से आपको हीरो की बैजिंग i3s और प्रोग्राम्ड FI की बैजिंग मिल जा रही है। यहाँ से आपको ये किक का ऑप्शन भी मिल रहा है, आप इसमें किक भी आपको मिल जाती है। BS6 बाइक है तो यहाँ पर आपको कैटिलिटी कन्वर्टर भी मिलता है। बात कर लेते हैं इसके माइलेज की, तो यहाँ पर ये आपको मिल जाएगी इसमें 50 से 55 का आराम से माइलेज दे देती है। और यहाँ से आप देख सकते हैं ग्लैमर का 3D लोगो मिल जाता है जो कि क्रोम फिनिश्ड में है और काफ़ी अच्छा लोगो देखने में लग रहा है। यहाँ से सीट हाइट की बात करते हैं तो 798 mm की सीट हाइट मिल जा रही है। और इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm मिल जा रहा है। और इसका इंजन भी साउंड सुन लीजिए, बात करते हैं इस बाइक में साइड स्टैंड कट ऑफ सिस्टम को लेकर, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये बाइक अभी ऑफ है और मैं ऑन कर लेता हूँ, तो यहाँ से ऑन हो गई। यहाँ पर आप सर्विस रिमाइंडर का भी फीचर मिल जाता है, तो इसमें सर्विस रिमाइंडर भी आपको मिल जाता है। इस मोटरसाइकिल को मैं ऑन कर लेता हूँ और यहाँ से आप देख सकते हैं मैंने इसे जैसे ही यहाँ पर पैर रखा और मैं इसको स्टैंड को नीचे गिरा दिया हूँ वैसे ही इसका स्टैंड आप देख सकते हैं नीचे गिरा हुआ, लेकिन ये बाइक नहीं बंद हुई। यहाँ से देख सकते हैं साइड स्टैंड कट ऑफ का सिंबल भी ऑन हो चुका है, लेकिन जैसे मैं इसके गियर को प्रेस कर देता हूँ तो ये बाइक बंद हो जाएगी। तो ये बाइक कुछ ऐसे है और ये कुछ साइड स्टैंड कट ऑफ इसका कुछ इस प्रकार कार्य करता है। और अंत में हम बात कर लेते हैं इस मोटरसाइकिल के प्राइस की, तो ये इसका जो ऑन रोड प्राइस है 98,598,500 रुपये, और ये आपको उपलब्ध होगी रामनाथ रामशंकर एंड कंपनी बिनकी फतेहपुर उत्तर प्रदेश में उपलब्ध होगी, और इसका ये ऑन रोड प्राइस है। तो यहाँ से आपको ये बाइक अवेलेबल हो जाएगी। वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।